हमारे साथ एसपी भारिल जी जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, और एक सफल व्यवसायी है, एक बेहतरीन ऑथर है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्डी है, और साथ ही साथ 2020 के पैशन विस्टा मैगजीन के कवर पेज पर इनकी छवि इनकी छपी थी। भारिल सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू उमंग जी। भारिल सर, आज CII के 125 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत और विशेष तौर पर हर उस कारोबारी को संबोधित किया है, उसे मोटिवेट करने का काम किया है जो कोरोना महामारी के इस काल में जो परेशान था, और अपनी वो दुकान या अपने काम धंधे वो किस प्रकार से शुरू करे, क्योंकि पैसा कमाना हर उस एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो अपना भले छोटा हो या बड़ा हो उद्योग खोल के बैठा है, साथ ही साथ उसे अपने परिवार की भी चिंता होती है। भारिल सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपने कई हजारों लाखों युवाओं को आपने आत्मनिर्भर बनाना सिखाया है, जो कि कोरोना के इस कालखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपील की है आत्मनिर्भर भारत की, और ये काम आप कई सालों से करते आ रहे हैं, तो इस कोरोना कालखंड में युवाओं को और ऐसे उद्योग जगत के लोगों को जिनके उद्योग धंधे बंद हो गए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? उमंग, तुमने बहुत बढ़िया बात की है और दुखती रख पर हाथ रख दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री बहुत दिनों से, कई सालों से कह रहे हैं कि नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो जी। मैं उसके आगे की बात कह रहा हूँ, जो अब जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तुम एंटरप्रेन्योर हो, पर मैं उसके आगे फिर एक बात और कह रहा हूँ कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और दूसरों को भी एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं जी। इस देश में भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी जी। और पर कैपिटा इनकम बढ़ने के लिए हर व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे आसान सबसे सही तरीका डायरेक्ट सेलिंग है जी। और डायरेक्ट सेलिंग की वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो देश की GDP बढ़ जाएगी जी। लोग डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से नहीं देखते, उसके बारे में समझते नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और ग्लोबल मार्केट 120% से गिरा, तब डायरेक्ट सेलिंग, उस दौरान डायरेक्ट सेलिंग 13% से ग्रो की। भारिल सर, जिस प्रकार से आप अपनी बात आप कह रहे थे, और अभी हमारे साथ में स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार अब भारत के लिए, भारतीयों के लिए हर उस चीज को खोलना चाहती है, हर उस चीज में मदद करना चाहती है जिस चीज की वजह से या जिस उद्योग की वजह से हम आत्मनिर्भर बन सके। और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि आप एक कदम बढ़ाइए, हम चार कदम आपके साथ में चलेंगे, और साथ ही साथ एक उदाहरण और उन्होंने दिया था पतंजलि का और MDH मसालों का, जिन्होंने छोटी सी शुरुआत की और आज हर उस बड़ी कंपनी को वो टक्कर दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं या तो विदेशी कंपनी है या विदेश की कंपनी का कुछ अंश उस कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे भारिल सर? मैं सही उमंग, तुमने फिर, मैं फिर से कहूंगा कि तुमने एक दुखती रग पे हाथ रखा है जी। अगर हिंदुस्तान का युवक और ये बात समझ ले कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है और अपना माइंडसेट अगर वो व्यवसाय की तरफ लगा देता है, तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें पूंजी नहीं लगती, जिसमें कोई आदमी आपको मदद करने के लिए आपके साथ तैयार खड़ा होता है, जिसमें एक इंडियन कंपनी अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है और आपको देती है, और आप मॉस पब्लिसिटी के साथ वो लोगों को देते हैं जी। मैं कहना चाहता हूं उमंग कि वो पैसा जो 200-500 करोड़ किसी एक सेलिब्रिटी की जेब में जा रहा है, और वो पैसा अगर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के 100-500 हजार लाख आदमी के हाथों में पहुंच जाए तो पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी, जिसमें आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, जब नॉलेज किसी और की काम आ रही होती है, जिसमें आपको कैपिटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट भी क्या कहूंगा, आप अपने खुद के यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदते हो और वो प्रोडक्ट दूसरों को आप प्रमोट करते हो और बताते हो मॉस पब्लिसिटी के साथ, और जब वे खरीदते हैं तो वे दूसरों को बताते हैं, और इस तरह से हम रेफर बोनस के साथ जब इनकम आती है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो रिक्शा चलाते थे, ऑटो चलाते थे, और आज वो यहाँ लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और उन्होंने पार्ट टाइम में बिजनेस की शुरुआत की, आज वो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, और यहाँ सक्सेस रेट तो बहुत जबरदस्त है उमंग, अगर सही दिशा से और सही तरीके से लोग इस बात को समझ लें तो मैं कहता हूं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल भारत सर, आपने सही कहा कि अगर एक, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप भले ही आप एक छोटा उद्योग आप खड़ा करना चाहते हो, लेकिन आप सही शुरुआत सही दिशा के साथ करेंगे तो सरकार भी आपके साथ है, और जैसा कि आपने भी कहा कि सही दिशा और सही सोच के साथ किया गया हर व्यापार आपको उन्नति की ऊंचाइयों तक ले जाता है। भारत सर, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मंगा।